अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों सुबह आया था मैडम को लेकर के हॉस्पिटल। वो तो रोज़ सुबह भाई आता हूँ, 7 बजे लाके छोड़ता हूँ, फिर उसके बाद रूम पर जाता हूँ। आज मैडम बोला तो इंतज़ार करो कहीं जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मैडम कहाँ जाती है। अभी तो गाड़ी पार्किंग में लगाया है, अब कम से कम 1-1.5 घंटे बाद निकलेंगे, तो देखते हैं फिर कहाँ जाती हैं मैडम। तब तक आपको बैक कैमरे से थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं, हमद हॉस्पिटल का जो प्लेसमेंट में पार्किंग होता है ना, उसका थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है प्लेसमेंट का पार्किंग। यह हॉस्पिटल है ना, ये देखिए है, ये गाड़ी है ना, ये हॉस्पिटल की गाड़ी है, हमद हॉस्पिटल का। वो कुछ ऐसा पार्किंग है अहमद हॉस्पिटल का। ये सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल है। और इसके ऊपर जो ये देख रहे ना, इसके ऊपर भी पार्किंग है और ये नीचे भी पार्किंग है। तो ऊपर धूप रहता है इसलिए ऊपर नहीं लगाते हैं, नीचे ही लगाते हैं गाड़ी। देखिए और ये सब भाई तरवल काम कर रहे हैं। ये जो अहमद हॉस्पिटल के जो वार्ड बॉय होते हैं ना, ये सब वही है। और भी हैं 4-5 लड़के हैं, कुछ उधर वल गए। ये टाइल्स वाइल्स रखा है ना, तो इन लोग टाइल्स वाइल्स हटा रहे हैं, पूरा साफ़ सफाई कर रहे हैं। चलिए दोस्तों इनसे बात करते हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या सैलरी है, क्या ड्यूटी है, बात करेंगे तो ठीक है, बात करते हैं इन लोगों से फिर। चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहें, फिर चलिए इनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या है। तो दोस्तों इन लोगों से बात करा, 15-20 मिनट तक बैठे रहे, इन लोग अपना काम भी करते रहे और बात भी करते रहे क्या है क्या नहीं है। तो इनसे मैं बताया, अन्य भाई कुछ वीडियो बनाना है, बना सकते हैं आप लोगों का। तो इन लोग मना कर दिया, कहने लगे नहीं वो मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जो इधर वल काम करता ना हमद में, वो वीडियो में आएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बोला ठीक है। तो इन लोग से पूरा राय मशवरा लिया, इन लोग बताया अपना जॉब के बारे में। तो इन लोग भाई वार्ड बॉय नहीं है, मेंटेनेंस मैन है, यानी कि जो हॉस्पिटल में जो मेंटेनेंस का काम करते हैं ना, कुछ भी पाइप फिटर हो गया, बिजली का काम हो गया, और ये सब जो देख रहे हो ना, ये सब कहीं कुछ हो गया, ख़राब हो गया, तो इन लोग इसका काम करते हैं। तो ऐसा है इन लोग का भाई, इन लोग की सैलरी भाई माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। इन लोग से बात करा ना तो इन लोग की सैलरी भाई 3000 रियाल सैलरी है भाई, और रूम कंपनी देती है, यही अहमद हॉस्पिटल वाला ही जो है रूम दिए हुए है, और 2 साल पे टिकट है, 2 साल पे टिकट है, और 8 घंटे की ड्यूटी है भाई। बोलते हैं सुबह 6 बजे आते हैं और दोपहर को 2 बजे तक 2-2.5 बजे चले जाते हैं। तो रूम भी बता रहे कि पास में ही है, पैदल भी जा सकते हैं, नहीं तो ऐसे बस वाले आते हैं लेके जाते हैं, मगर दूर नहीं है, पास में ही है, तो हम लोग पैदल भी चले जाते हैं, क्योंकि तो जितना टाइम बस से लगेगा उतना टाइम पैदल भी लगेगा। ऐसा है भाई इन लोगों का भाई काम। तो दोस्तों हॉस्पिटल से निकलने के बाद यहाँ पे आइए यूनिवर्सिटी में, बहुत दूर है भाई, कम से कम 35-40 किलोमीटर दूर आई। लोकेशन दिया था व्हाट्सएप पे, वो लोकेशन देखा तो काफ़ी दूर आई है, ये लुसेल सिटी के आगे है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ देखते हैं कितना टाइम लगता है मैडम को, कितना बजे निकलती है बाहर। बोली है वेट करो, पार्किंग में लगा दो गाड़ी। एक तो यहाँ से हम लोग का रूम भी दूर पड़ जाएगा कम से कम, नहीं तो रूम हम लोग का पड़ेगा 50-60 किलोमीटर पड़ेगा। तो ये है दोस्तों, अभी सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है भाई, नाश्ता वास्ता नहीं करा है, क्या बोलेगा। यहाँ तो पूरा जंगली जंगल है ना, पूरा यही सिर्फ बीचों बीच में कॉलेज बना है बस। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बाद कहाँ जाती हैं फिर मैडम। तो दोस्तों वहाँ जामा से निकलने के बाद अभी यहाँ आई है कटारा में। अब देखो यहाँ से कितना बजे निकलती है, क्योंकि कफिल का भी फ़ोन आ गया था ना, तो कफिल का फ़ोन आया तो हो सकता है यहाँ नाश्ता वास्ता करके फिर इसके बाद जाएंगे, क्योंकि अभी 9:30 बज रहा है ना। मैंने भी कुछ नहीं भाई खाया पिया है, 20 रियाल दिया है, पहली बार भाई मैडम ने आज 20 रियाल दिया है, कहने लगे जो जो भी खाना है जाके खा पी लेना 20 रियाल का।
अब चलते हैं, चाय वाय लेते हैं, आपको कुछ बैक कैमरे से आपको यहाँ का कुछ नज़ारा दिखाते हैं कैसा है कटारा का। देखिए देखिए ये है कटारा भाई, यहाँ जो रात में आने में मज़ा है भाई, शाम के टाइम पर आओ 4-5 बजे, बहुत मस्त लगता है भाई, बहुत अच्छा लगता है भाई, इधर रात में बहुत अच्छा लगता है। दोपहर है ना, अभी सुबह का टाइम है, इतना मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा रात में आता है ना शाम के टाइम पर, वो शाम के टाइम पर बहुत मज़ा आता है। ये देखिए देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है, ये देखिए ये मस्जिद है, चलिए देखते हैं फिर दिखाते हैं आपको कुछ नज़ारे, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे। वो देखिए फ्लाइट जहाज जा रहा है क्योंकि इसके पीछे समंदर है, चलिए आपको समंदर भी दिखाते हैं, बीच भी दिखाते हैं क्या है। देखिए इतना खूबसूरत नज़ारा है, चलिए दोस्तों दिखाते हैं आगे, चलते रहिए ऐसे ही। तो दोस्तों देखिए है, ये देखिए ऐसा कुछ है, देखिए शाम के टाइम पे भाई आने वाला है, अभी सुबह का टाइम है इतना अच्छा नहीं लगेगा, शाम के टाइम पर 4-5 बजे आओ ना तब इधर बहुत अच्छा लगता है। ये सब पूरे होटल हैं, वही खाने पीने वाला होटल है, रुकने वाला नहीं है, खाने पीने वाला है। तो देखिए दोस्तों चलते हैं भाई, कुछ खा पी लेते हैं, मैडम ने 20 रियाल दिया है, अब यहाँ जो से एक सिक्योरिटी वाले से पूछा तो बोलता है भाई 5 रियाल का एक करक है, 5 रियाल की एक चाय है, कहाँ 1 रियाल का मिलता, कहाँ यहाँ 5 रियाल है, बोलता आगे एक सुपर मार्केट है वहाँ जाके देखो, वहाँ शायद चाय तो नहीं मिलेगा मगर हाँ जो 1 रियाल का बाहर से मिलता है यहाँ 2 रियाल का मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये है भाई कटारा, ये है भाई देखिए, उधर पीछे जो है एयरपोर्ट है, वो जो सामने है ना उधर एयरपोर्ट है, फ्लाइट जो भी उड़ती है तो इधरवल से आते हुए दिखती है। देखिए और ये कुछ समंदर का नज़ारा है भाई, यहाँ भाई शाम को आने वाला है भाई, शाम को आगे देखोगे ना तो वाकई दिल खुश हो जाता है। ये देखिए कुछ ऐसा नज़ारा, देखिए माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है भाई कतर, देखो देखिए ये कटारा है, कटारा बीच, ये देखिए कहता अभी यहाँ कंपनी के लोग काम कर रहे हैं थोड़ा, देखिए ये देखिए भाई यहाँ सामान भाई बहुत महंगा है, खाने पीने वाला जो बकाले में 1 रियाल का है तो यहाँ समझ लो 2.5 रियाल का 3 रियाल का है, ऐसा है भाई। देखिए भाई ये है कटारा, ये देखिए है, देखिए सब होटल है, खाने पीने वाला है सब होटल, रुकने वाला नहीं है, यहाँ सिर्फ खाया पिया जाता है बस। तो ये है कुछ ऐसा नज़ारा, ये लुसैल है, ये जो आप इधर देख रहे हैं ना ये लुसैल है, और ये परेल है, इसको भाई परेल बोलते हैं, ये देखिए, और ये सब भाई लेबर लोग भाई काम कर रहे हैं भाई, देखो है देखिए ऐसा नज़ारा है। और वो भाई है दफना, वो तो भाई बहुत खूबसूरत है, उधर उधर पूरा समझ लो बड़ी बड़ी कंपनी का जो ऑफिस होता है ना हेड ऑफिस वही है। देखिए फ्लाइट जा रहा है, चलिए दोस्तों अब यहाँ से देखते हैं मैडम कितने बजे निकलती हैं, वो कहाँ जाती हैं देखते हैं, हॉस्पिटल जाती हैं कि घर जाती हैं, कहाँ जाती हैं अभी मालूम नहीं भाई। ये देखिए भाई, तो दोस्तों देखा ऐसा कुछ नज़ारा है, अब चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं आराम से गर्मी बहुत पड़ रही है भाई। ओ भाई ये स्टैचू आप देखिए, आपको दिखाते हैं स्टैचू यहाँ का, देखिए आप स्टैचू आर्मी वालों का है बकायदा, जो है उससे बनाया गया है लोहे से, चम्मच हो गया प्लेट हो गया, ये देखिए आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं दोस्तों है। देखिए दोस्तों देखिए किससे बनाया गया, ये सब लोहे से बनाया गया, देखिए है क्या क्या लगा हुआ है, देखिए ये कढ़ाई है, कटोरा है, ये चम्मच है, ये सब देखिए क्या क्या लगा हुआ है, सब कबाड़ को एक साथ इकट्ठा करके फिर वेल्डिंग कर दिया गया, देखिए है कुछ ऐसा नज़ारा है। देखिए
सब ऐसा ही है। ये आर्मी वाला है, वो गोताखोर वाला है, और ये मुंह पे भाई मास्क लगाए में है उसका है, वो सब ऐसा ही बना हुआ है भाई, दिखाते हैं आपको। सबका ऐसा ही है भाई, लगता है मैडम का फोन आ गया, चलना पड़ेगा। तो दोस्तों फोन आ गया था मैडम का, तो अब चलना पड़ा, फिर निकलना पड़ा वहाँ से, आपको पूरा दिखा नहीं पाए। फिर कभी ड्यूटी लगेगी तो जाएंगे। फिर अभी रूम पर तो आ गया हूँ, मैडम को घर पे छोड़ दिया है, क्योंकि रूम में पानी ख़त्म हो गया था ना, तो वही पानी लेने आया हूँ। ये देखिए है, तो यही मस्जिद है, ये भाई मस्जिद है। तो जितने भी ड्राइवर है तो सब यहीं आते हैं पानी लेने, क्योंकि यहीं फिल्टर वाला पानी है ना, बाकी और किसी घर में वो लगा नहीं है। जैसे और भी सऊदी या दुबई वुबई में सब कहीं लगा होता है ना, बाहर टोटी दिए रहते, तो ये एरिया भाई इतना अच्छा नहीं है, यहाँ बाहर जो पानी फिल्टर वाला लगा दे, थोड़ा वैसा गरीब एरिया है। तो जितने भी ड्राइवर आते हैं तो सब यही मस्जिद में ही पानी भरते हैं भाई। तो दोस्तों अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही होती है भाई ड्राइवरों की ड्यूटी, कभी कम कभी ज़्यादा। अब सब लोग कितना 5 घंटा 5.5 घंटा हो गया, 5.5 घंटा से भाई रूम से निकला हुआ हूँ। आज कैसे मैडम का दिल आ गया, जो 20 रियाल दे दिया, वो भी दिया गया है, कफिल बोला होगा तभी दिया है, क्यों कफिल भी था ना वहाँ, तो कफिल आया होगा नाश्ता वास्ता करने, तो मैडम को ही बुला लिया हो कि आ जाओ यहाँ नाश्ता वास्ता कर ले। तो आज पहली बार भाई, 1 साल में पहली बार 20 रियाल मिला है भाई, तो ये है भाई। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर रखते हैं, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।